now our next chapter is working with users groups and its permissions first topic under it is managing users and groups users are those who actually using that system or a server so now we will see how user can be added on the any system or a server to create a users from a command line environment

any system administrator if you want to change the user's property on any server. for every group, user, membership, uid and shell default properties are important. KCB system pay user, ka properties important reta. so now we will move to the next. there are three uh, cons uh, मतलब इटीसी पासवर्ड में एंड ई टी सी शेडो में दोनों फाइल में कोलन सेपरेटेड फील्ड रहते हैं वो हर एक फील्ड कुछ तो भी रिप्रेजेंट करता है सिस्टम पे हर एक लाइन पे वो सेपरेटेड फील्ड्स ही रहेंगे द फॉर्मेट ऑफ द फर्स्ट फाइल इज ई टी सी पासवर्ड उसका फॉर्मेट है यूजर नेम देन पासवर्ड उसका यू आई डी जी आई डी जी सीओ एस देन डिरेक्ट्री एंड देन शेल बाद में ई टी सी शेडो का फॉर्मेट है यूजर नेम उसका पासवर्ड देन विल सी दिस ईच एंड एवरी फील्ड नेक्स्ट फाइल इज इटीसी बट इट्स एक्चुअली ऑलवेज रनिंग इन टू अः कभी फोरग्राउंड पे आता नहीं है वो रिलेटेड तो यूजर एनवायरमेंट जो कुछ भी सेट होता है सिस्टम पे वो बैकग्राउंड में रन होता रहता है नी विल सी

That is the most important user properties are stored in this file. a ETC password is a more important file on any Linux server or a system. Now we will see the content of this file that is cat slash etc slash passwd. So this will list the users on a system. Now, field. जो टर्म है सेपरेटेड बाय कोलन सी दिस दिस इज सेपरेटेड नाउ ईटीसी पासवर्ड में हम लोगों को हर एक यूजर का पूरा डेटाबेस मिल जाएगा इन विच फर्स्ट इज यूर यूजर ये जो है रहता है दैट इज नेम फॉर दैट द यूजर्स लॉग इन नेम इज स्टोर्ड इन दिस फील्ड ऑफ़ फील्ड इन ई पासवर्ड जो ओल्डर यूनिक्स वर्जन थे

Then next is your password. This is a password. In the old days of Unix encrypted passwords were stored in these files. There is, however, one big problem with password stored here is even if the password has been hashed, everyone is allowed to read etc password. So, since this was a security risk, passwords are stored in the configuration file etc shadow nowadays, which we will discuss later on. जो भी अभी इसीलिए सब ईटीसी शैडो में ही सेव करते हैं पासवर्ड बिकॉज दिस फाइल इज डिरेक्टली टू द योर यूजर्स यूजर्सो इन विच ने यूनिक यूजर आई डी आर एच एल स्टार्ट नंबर इंग लोकल यूजर आई डीज एट फाइव हंड्रेड मतलब जो भी स्टार्ट करना है जितने भी यूजर्स हम लोग ऐड करेंगे सिस्टम पे हमेशा 500 हंड्रेड से स्टार्ट होंगे सपोज अभी 500 हंड्रेड इज माई फर्स्ट यूजर इज रेड एड सो इट्स का ऐड हो गया तो 501। नेक्स्ट अगर तुम्हारा नाम एड कर देते हो तो यहाँ पे 502 हो जाएगा सो दिस वे दिस वर्कस आउट एंड दिस इज अक यू आई डी जनरेटेड बाई एंड टिपिकली द हाइएस्ट नंबर दैट इज यूज इज सिक्सटी थाउजेंड एंड द हाइस्ट नंबर आर रिजर्व फॉर अ स्पेशल पर्पज अकाउंट्स के लिए रिजर्व रहते हैं यू कैनोट हम लोग को वो मिलेगा ही नहीं इस पर जो भी हाइएस्ट नंबर है वो वो सिस्टम खुद ब खुद डिफाइन कर देती है फॉर अ स्पेशल पर्पज अकाउंट के लिए नेक्स्ट इज जी आई डी जी आई डी दिस इज अ जी आई डी एवरी यूजर हैज प्राइमरी ग्रुप द ग्रुप आई डी दिस प्राइमरी ग्रुप इज लिस्टेड हिस्टर आर एच एल पे एवरी यूजर इज ऑल्सो नंबर ऑफ प्राइवेट ग्रुप दैट इज द नेम ऑफ द यूजर मतलब हमेशा जो यूजर अभी क्रिएट किया जाता है तो उसका बाय डिफॉल्ट वो ग्रुप में भी ऐड हो जाता है कौन सा भी यूजर सिस्टम पे जब एड होता है सो बाय डिफॉल्ट उसका ग्रुप भी बन जाता है वो नाम का और वो यूजर वो ग्रुप का मेंबर भी रहता है इट्स अ बाय डिफॉल्ट इट्स लिनक्स का जो ये है वो सेट किया हुआ है वैसे ही next is gcos the general electric comprehensive operating system that is gcos this field is used to include some additional information about the user this field can contain anything you like such as department where the user works the user phone numbers or anything else this makes identifying a user

etc shadow rethe, it is a encrypted user passwords are stored in the etc shadow information related relating to a password expiry is also kept in this file now we will see cat etc shadow see this is a etc shadow file this also looks like इसका जो फाइल था से कोलन सेपरेटेड पासवर्ड फाइल जो था वो कोलन ये भी कॉलन सेपरेटेड ही रहता है इसमें से हर एक फील्ड क्या प्रेजेंट करता है फर्स्ट इज यूजर फर्स्ट इज यूजर दैट रूट अभी यहाँ पे हम लोग शिक्षक का देख रहे थे तो शिक्षक दिस इज इज एक्चुअल यूजर देन इट्स अ एनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर हिम यहां पे एनक्रिप्टेड पासवर्ड है उसका नेक्स्ट इज यूर सेम को कोलन सेपरेटेड जो भी है दैट इज नेक्स्ट इज डेज सिंस जनवरी फर्स्ट 1970 सेवेंटी दैट पासवर्ड वाज लास्ट चेंज्ड मतलब अब तब से कभी पासवर्ड चेंज हुआ उसका वैल्यू यहाँ पे रहता है नेक्स्ट इज डेज डेज बिफोर पासवर्ड में बी चेंज्ड अभी डेज बिफोर पासवर्ड मुझे भी सेट किया तब से पासवर्ड कभी चेंज किया उसका डेज यहाँ पे दिखता है मतलब अब जब भी हम लोगों को पासवर्ड कभी चेंज किया यूजर मतलब ने वॉट तो यहाँ पे इटीसी शेडो फाइल हमेशा चेक करना रहता है डोट फॉर्गेट कहाज डेज बिफोर पासवर्ड में बी चेंज नेक्स्ट इज डेज आफ्टर विच पासवर्ड मस्ट बी चेंज दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू सिस्टम ने सेट किया रहता है सो so, आफ्टर 99,999 डेज के बाद चेंज करना ही है ये system का by default value system set करती है। अभी जब एक्सपायर होना है, अभी 19,999 डेज तक पहुंचा वो पासवर्ड यूजर ने चेंज ही नहीं किया तो अगर वो डेज तक पहुंचा यूजर सो सेवन डेज पहले मतलब नाइनटी 99 टू ये डेज से हम लोग को वार्निंग आना चालू हो जाएगा वो यूजर को कि यू नीड टू चेंज योर पासवर्ड नाउ नफ्टर वर्ड आफ्टर पासवर्ड एक्सपायर दैट अकाउंट इज डिसेबल्ड वो जो लास्ट ये जो दिख रहा है ब्लैंक दैट इज डेज आफ्टर पासवर्ड एक्सपायर दैट अकाउंट इज डिसेबल्ड देन नेक्स्ट इज डेज सिंस जनवरी फर्स्ट नाइनटीन सेवेंटी दैट अकाउंट इज डिसबल्ड ये यहाँ पे दिखेगा अभी ये तो यूजर जस्ट क्रिएटेड है फिर पे सब ऑप्शन ब्लैंक ही रहेंगे और नाइन्थ जो है लास्ट वाला दैट इज ऑलवेज रिजर्व फील्ड एंड दैट इज नॉट करंटली इन वो सिस्टम के लिए रिजर्व रहता है वॉट एवर बट वो कभी यूज नहीं किया जाता मोस्टली सो दिस इज दिस वे दी सी शैडो एंड इटीसी पासवर्ड फाइल्स आर एक्चुअली Uh, on the system now we will see how actually login devs is there on a system so we will go to the file vi slash etc /login slash .devs. login devs have some generic settings are defined in this configuration file these settings determine all kinds of information relating to the creation of users इन द लॉग इन ऑफ डेफ्स यू विल फाइंड वेरिएबल्स या अलग अलग वेरिएबल्स है उसमें क्यूमेल के लिए मेल डिरेक्ट्री पास मिनिमम डेज यू आई डी मिनिमम कितना चाहिए उसका वैल्यू जी आई डी है ये जो भी फील्ड हम लोगों ने यूजर एड में देखे थे उसके जो भी पैरामीटर्स रहते हैं वो वेरिएबल्स यहाँ पे सेट किए जाते हैं दिस वेरिएबल स्पेसिफाइज द डिफॉल्ट वैल्यूज यूज वेन यूजर्स आर क्रिएटेड जब भी यूज क्रिएट यूजर क्रिएट किया जाता है तो यहां से वो वैल्यूज उठाए जाते हैं इनटू द सिस्टम बाय द सिस्टम सो विल कम आउट ऑफ दिस फाइल वी डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट दैट इज मैनेजिंग यूजर्स एंड ग्रुप्स अनलाइक द यूजर कम अकाउंट्स ग्रुप अकाउंट ऑलवेज रिप्रेजेंट समल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूजर्स हर एक यूजर का लॉजिकल ऑर्गेनाइज मतलब कुछ भी हो जाए अभी जब भी हम लोग यूजर एड करते हैं सपोज रेड एड पे जब भी यूजर एड किया जाता है बाई डिफॉल्ट वो यूजर किसी ग्रुप का मेंबर रहेगा ही बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ ग्रुप दट हैज द सेम नेम एज द यूजर मतलब यूजर का जो भी नेम रहेगा उसी नेम से ग्रुप भी क्रिएट किया जाता है एंड दैट यूजर इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप ऐसा क्यों किया जाता है दिस इज डन बिकॉज फॉर फॉर द द सिक्योरिटी रीजंस टू मेक श्योर दैट नो फाइल्स आर शेयर्ड विथ अदर यूजर्स बाय एक्सीडेंट मतलब कभी भी बाय एक्सीडेंट किसी यूजर से फाइल शेयर नहीं होना चाहिए इसीलिए हर जब भी यूजर ऐड किया जाता है तो उसका सेम नाम से ग्रुप भी बनाया जाता है एंड वो यूजर वो ग्रुप का मेंबर रहता है लाइक यूजर अकाउंट्स ग्रुप हैव ग्रुप आइडेंटिफिकेशन नंबर्स और जीआईडीज एंड इट इज कॉमन फॉर यूजर्स टू बी मेंबर्स ऑफ सेवरल ग्रुप्स अभी कोई भी मेंबर मतलब जो भी यूजर रहेगा वो कौन से भी ग्रुप का मेंबर बन सकता है uh, कौन से भी जो भी सिस्टम पे बनाए गए ग्रुप्स है उनका वो मेंबर्स डिफाइन कर सकते हैं हम लोग द यूजर कॉन्फिग्रेशन फाइल यूज इन लिनक्स इज इटीसी ग्रुप इटीसी ग्रुप फाइल ये कॉन्फिग्रेशन फाइल है लिनक्स के लिए ग्रुप्स के लिए ऑन लिनक्स टर्मिनल इट हैज वन एंट्री पर लाइन एंड ईच लाइन हैज द फॉर्मेट एज ग्रुप नेम कोलन पासवर्ड कोलन जी आई डी कोलन यूजरलिस्ट कोलन हमेशा हर एक मतलब जैसे हम लोग ने एटीसी पासवर्ड शेडो में देखा वैसे ही यहां पे भी कोलन सेपरेटेड पैरामीटर्स ही रहते हैं। नाउ वी विल सी एक्चुअली ऑन दिस टर्मिनल दैट इज कैट स्लैश ए टी सी स्लैश ग्रुप

यूजर जब भी क्रिएट होता है तो उसको उसी नाम से ग्रुप भी बन जाता है एंड यूजर इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप सो इट इज द नेम ऑफ द ग्रुप इफ यू रन एल एस माइनस सेल कमांड यू विल सी द नेम प्रिंटेड इन द ग्रुप फील्ड एंड पासवर्ड नेक्स्ट इज योअर पासवर्ड दिस इज योर पासवर्ड जनरली पासवर्ड इज नॉट यूज हेन्स इट इज एम टी एंड ब्लैंक ग्रुप के लिए पासवर्ड सेट नहीं किया जाता है कभी ज्यादा सो so, फिर इट्स एम टी एन ब्लैंक रहता है इट कैन स्टोर एनक्रिप्टेड पासवर्ड दिस इज यूजफुल टू इंप्लीमेंट प्रिविलेज ग्रुप्स ग्रुप आई डी नेक्स्ट इज यूर जी आई डी जो हम हम लोगों ने प्रीवियसली देखा शिक्षक का जी आई डी भी फाइव जीरो वन ही था ईच यूजर मस्ट बी असाइन अ ग्रुप आई डी यू कैन सी दिस नंबर इन यूर स्लैश इटीसी पासवर्ड फाइल इटीसी पासवर्ड में भी वो फाइल हम लोगों ने देखा था देन नेक्स्ट लास्ट इज युप लिस्ट इट इज अट यूजर नेम्स ऑफ यूजर्स हु आर में ग्रुप द यूजर नेम्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय अमर्स अगर अभी यहाँ पे शिक्षक ग्रुप है शिक्षक नाम का ग्रुप है और उसके दस मेंबर रहते अभी यहाँ पे कोई भी मेम्बर है नहीं वो ग्रुप का सो so यहाँ पे उसके हर एक मेंबर का नाम यहाँ पे दिखता था हम लोगो को एंड वो भी सेपरेटेड बाय अ कॉमर्स जो भी है वो आई फगोट टू टेल यू समिंग दैट इज जो कैट स्लैश ई टी सी पासवर्ड में या शेडो में जो कोलन और ये रहते हैं सी दिज कैरेक्टर्स दैट आई फट टू टेल यू दिज कैरेक्टर्स क्या रहते हैं इन द इनक्रिप्टेड पासवर्ड फाइल एंड एक्सलेमेशन मार्क एंड द स्टार यहाँ पे स्टार है देखो सी दिस इज़ अ स्टार और यहाँ पे एक्सलेमेशन मार्क है वॉट दिस रिप्रेजेंट्स इफ एन एक्सलेमेशन मार्क इज यूज लॉग इन इज करंटली डिसेबल्ड इफ एन स्टार इज यूज दिस स्टार इज यूज देन इट इज अ सिस्टम अकाउंट दैट कैन बी यूज बायूज टू स्टार्ट अ सर्विसेस बट अगर ये स्टार से वो सर्विस स्टार्ट कर सकता है बट दैट इज नॉट अलाउड फॉर इंटर लॉग इन बट दिस यूजर कैन नॉट शेल पे इन नहीं कर सकता वो सिर्फ सर्विस रन कर सकता है ऑन द सिस्टम ऑल्सो नोट दैट बाई डिफॉल्ट एनक्रिप्टेड पासवर्ड इज हियर बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू स्टोर नॉन एनक्रिप्टेड पासवर्ड अभी यहाँ पे हम लोग के सब एनक्रिप्टेड पासवर्ड से तो यहाँ पे दे वो नॉन इनक्रिप्टेड पासवर्ड भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं वो भी ई टी पासवर्ड में थे वो ओके नाउ मूविंग फर्दर टू दैट इज यूर यूजर मैनेजमेंट कमांड्स फर्स्ट कमांड इज यूजर एड विच इज यूज टू क्रिएट अ लॉग इन अकाउंट्स जो कुछ भी हम लोग को नया यूजर सिस्टम पे ऐड करना है तो उसके लिए कमांड है यूजर ऐड। अगर जब भी यूजर हमें सिस्टम पे ऐड करते हैं तो उसके लिए उसका पासवर्ड हम लोग को जाके खुद को सेट करना पड़ता है यूजर ऐड यूजर होने के बाद अगर हम लोग डायरेक्टली लॉग करने जाएंगे यूजर से तो सिस्टम विल नॉट अलाउड बिकॉज पासवर्ड हम लोगों ने सेट ही नहीं किया है तो लिनक्स में उसका पासवर्ड हम लोग को जाके सेट करना पड़ता है बाय यूजिंग पास डब्ल्यू डी कमांड दिस सेट्स और अ चेंज अकाउंट पासवर्ड्स मतलब अगर पासवर्ड चेंज भी सेट भी करना है अगर चेंज भी करना है सो यू हैव टू यूज दिस कमांड नोन एज पास डब्ल्यू डी और सी एच ए जी दिस कमांड इज टू यूज मॉडिफाई पासवर्ड एक्सपायरेशन इंफॉर्मेशन अगर पासवर्ड एक्सपायरेशन एक्सपायर्ड होता है उसका रिलेटेड टू कुछ हम लोग को मॉडिफाई करना है सो so उसके लिए कमांड है सी एच ए जी नेक्स्ट इज यूजर डेल अभी यूजर्स तो हो गए सिस्टम पे एड वगैरह अगर आप लोग को यूजर डिलीट करना है सो देर इज अ कमांड नोन एज यूजर डेल दिस डिलीटर लॉग इन अकाउंट अगर हम लोग सिर्फ अकाउंट डिलीट यूजर डेल से यूजर डेल और यूजर नेम डाला तो सिर्फ यूजर का ना यूजर का अकाउंट ही डिलीट हो जाएगा उसका होम डिरेक्टरी डिलीट नहीं होगा लेकिन इफ यू यूज कमांड यूजर डेल माइनस आर देन दिस विल डिलीट आल्सो। मतलब ये पूरा का पूरा हम लोगों का सब डिलीट कर देगा सिस्टम से यूजर का नामो निशान मिटा देगा नेक्स्ट इज यूजर मोड अभी हम लोग को यूजर के इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं लॉग इन अकाउंट में सो देर इज अ कमांड नोन एज यूजर मोड यूजर मोड उसका अगर कुछ करना है चेंज करना है ग्रुप का नाम वगैरह चेंज करना है कोई भी यूजर के लिए सो दिस कमांड इज यूज नी विल सी दिस कमांड वन बाय वन ऑन अ सिस्टम फर्स्ट वॉज यूजर एड कमांड यूजर user add ravi. So now ravi is gated get gets added into the system. So now if I have to log in by Ravi then I have to set its password and that is command is passwd password user password command or uska nam Ravi. जिंग पासवर्ड फॉर रवि दैट इज से पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली तो अभी पासवर्ड सेट हो गया अभी पासवर्ड इज एन इम्पोर्टेंट थिंग बाय डिफॉल्ट लॉग जब भी करते हो तो फिर उसका पासवर्ड तो चाहिए ही हम लोगों को सो so, पासवर्ड सेट से करते हैं पासवर्ड कमांड में यूज द यूजर रूट कैन यूज द पासवर्ड कमांड इन थ्री जेनरिक वेज फर्स्ट इज यू कैन यूज इट फॉर पासवर्ड मेंटेनेंस टू सेट पासवर्ड एक्सपायरी इंफॉर्मेशन एंड टू यूज फॉर अकाउंट मेंटेनेंस दिस पर्पज पासवर्ड की पासवर्ड कमांड जो है वो यूज किया जाता है अभी पासवर्ड कमांड है सम ऑप्शन रहते हैं उसमें अभी हम लोग हमेशा देखेंगे तो डब्ल्यू डी माइनस एल अभी माइनस एल क्या करेगा फॉर यूजर रवि एनेबल्स एन एडमिनिस्ट्रेटर टू लॉक एन अकाउंट ओके फॉर स एग्जाम्पल पासवर्ड माइनस एल शिक्षक विल लॉक पासवर्ड माइनस एल रवि विल लॉक द अकाउंट फॉर यूजर रवि अगर ये कमांड यूज किया सो रवि का अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा सो नाउ ना एंटर लॉकिंग पासवर्ड फॉर यूजर रवि पासवर्ड सक्सेस तो अभी रवि का अकाउंट ब्लॉक हो गया बिकॉज वो पासवर्ड ही एंटर नहीं कर सकता दीज ऑल थिंग्स विल बी डन बाई अम एडमिनिस्ट्रेटर ओनली नॉर्मल यूजर को यह सब राइट नहीं रहता कभी भी सो so अभी लॉक तो कर दिया अभी उसको अनलॉक करना है तो क्या कमर करेंगे सो so, उसके लिए कमांड है पास डब्ल्यू डी माइनस का नाम था वो सो पास अनलॉकिंग पासवर्ड फॉर यूजर रवि नाउ उसका पासवर्ड भी अनलॉक हो गया सो दैट ही कैन एबल टू लॉग इन ऑन अ सिस्टम नाउ इफ यू वांट टू चेक रिपोर्ट निकालना है उसका स्टेटस रिपोर्ट पासवर्ड का वो अकाउंट के लिए तो उसके लिए ऑप्शन है पास डब्ल्यू डी माइनस कैपिटल एस रवि सी दिस इज द रिपोर्ट फॉर द सेम रवि पी एस ट्वेंटी कभी क्रिएट किया है और उसका वो जो पूरा पासवर्ड फाइल का जो ये देखा था हम लोगों ने कभी खत्म होगा जी इसमें ई टी सी शेडो में जो देखा था दैट इज मैंशन ओवर ईयर देन नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग को किसी यूजर को फोर्सफुली पासवर्ड चेंज करने बोलना है हम लोगों को सो वी कैन यूज अ गिव अ ऑप्शन एज पास डब्ल्यू डी माइनस ई एंड यूजर नेम है उसको सो एक्सपायरिंग पासवर्ड फॉर यूजर रवि ये एक्सपायर हो गया है सो so अभी यू जब रवि लॉग इन करने जाएगा तो ही विल आस्क टू सेट इज पासवर्ड सो दीज आर द ऑप्शन विच विल सेट ऑल यूर जो भी पासवर्ड के ऑप्शन थे दैट वी हैव ऑलरेडी सीन नाउ नेक्स्ट कमांड इज यूजर डेल नाउ वी विल डिलीट द यूजर बाय कमांड यूजर डेल माइनस आर शिक्षक आई विल डिलीट दिस यूजर सो नाउ यूजर शिक्षक इज गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम सो दिस वे एक्चुअली

Known as -H, और जो भी उसका सेल है अभी बाई डिफॉल्ट सेल कौन सा रहता है बिन बैश रहता है सी एस एस एच माइनस एस बिन सी एस एच एस सी एस एच और उसका जो भी यूजर नेम है बाय डिफॉल्ट बिन बैश रहेगा और अगर हम लोग ये कमांड रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका सेल चेंज हो जाएगा सो दीज आर यूजर मैनेजमेंट कमांड्स क्स्ट इज ग्रुप मैनेजमेंट कमांड्स जैसे यूजर मैनेजमेंट के लिए सब कमांड्स है वैसे ही ग्रुप मैनेजमेंट के लिए भी कमांड्स है फर्स्ट इज ग्रुप एड ग्रुप एड क्या करेगा इट क्रिएट्स अ न्यू ग्रुप अकाउंट मतलब जो भी अगर ग्रुप को नया क्रिएट करना तो है तो ग्रुप एड कमांड है नेक्स्ट इज जैसे हम लोगों ने यूजर ऐड करने के लिए उसका पासवर्ड सेट किया वैसे ही ग्रुप का पासवर्ड हम लोग सेट कर सकते हैं सेट्स अ ग्रुप पासवर्ड्स एंड मॉडिफाइज़ ग्रुप अकाउंट्स नेक्स्ट इज ग्रुप मॉड इट्स मॉडिफाइज़ एग्जिस्टिंग ग्रुप्स अकाउंट्स अभी ये जो भी है वो मॉडिफाई करने है जो भी ग्रुप अकाउंट्स वो ग्रुप मॉड से करेंगे एंड नेक्स्ट इज ग्रुप डिलीट ग्रुप डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑन अ अकाउंट जो कुछ भी है सो नाउ वी विल सी ऑल दिस कमांड बाय अ टर्मिनल बाय एडिंग टू ग्रुप क्रिएट अंड चेंज द करंट ग्रुप असाइनमेंट फॉर सम ऑफ एक्सिस्टिंग यूजर्स नाउ वी विल यूज कमांड ग्रुप एड अ ग्रुप नेम एज सेल्स बाय कमांड ग्रुप एड

ग्रुप्स सो so, अभी जो यूजर हम लोग का था रेड एट उसका एलोकेशन चेक करेंगे हम लोग कुछ भी नहीं है रेडाइट के लिए वो ग्रुप का कोई से मेंबर भी नहीं है नव वी विल एड अ यूजर रेडाट टू द सेल्स ग्रुप बाय कमांड यूजर मॉड माइनस ए जी कैपिटल जी सेल्स टू रेडैट सी नाउ रेडैट इज अ ग्रुप मेंबर ऑफ सेल्स वी विल चेक इट बाय अ प्रीवियस कमांड कैट स्लैश ई टी सी ग्रुप प्रीवियसली सेल्स में कोई भी मेंबर नहीं था अभी रेडैट इज इट्स मेंबर अभी हम लोग को रवि को भी उस रवि को भी उसका मेंबर करना है सो वी कैन मेक इट सेम वे जो भी कमांड हम लोगों ने यूज किया था सुनाउ so वो जो ग्रुप अभी ग्रुप में ऐड हो गया वो नाउ इफ आई वॉन्ट टू एड अ रवि आल्सो, देन देर इज अ कमांड यूजर मोड्स अभी रवि को अकाउंट्स में ऐड कर देते हैं Ravi. So now we will see with the same command. See now Ravi is a part of accounts group. ये दो group थे उसमें हम लोगों ने दो user add कर दिए This way जो भी है groups add किए जाते हैं उसमें members add किए जाते हैं user mod करके and अगर हम लोग को group delete भी करना है suppose अभी हम लोग को sales का group delete करना है so now we will use command ग्रुप डेल अभी कौन सा एक ग्रुप ऐड किया था सेल्स सो अभी नाउ इफ यू विल चेक कैट स्लैश ईटीसी ग्रुप सो उसका सेल्स का ये फाइल सेल्स का ग्रुप जो था दैट डिलीटेड दिस वे द जो भी ग्रुप्स का कमांड्स है ऑल दिस वर्कआउट बाय दिस कमांड्स

name as system config users to create a new user click add user this opens the add new user window in which you can specify all of the properties you want when creating a new user this we will check actually on the terminal how system config users are used see this will be look like this. यूजर मैनेजर पूरा यूजर मैनेजमेंट टूल से यूज करते हैं सिस्टम कॉन्फिक यूजर्स टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप जस्ट क्लिक एड ग्रुप यूजर के लिए एड यूजर और ग्रुप के लिए एड ग्रुप एड यूजर यहां से करते हैं एड ग्रुप यहां से करते हैं यू विल सी अ विंडो प्रॉम्प्टिंग यू फॉर द वी विल सी दिस एक्चुअली ऑन अ टर्मिनल

नाउ इफ यू वांट टू ऐड ग्रुप पे ग्रुप नेम डाल के जो कुछ करना है वो सब सेटिंग भी कर सकते हैं ग्रुप का आई भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन बाय यूजिंग दिस यूटिलिटी नोन एज सिस्टम कॉन्फिग यूजर्स हियर वी आर कंप्लीटेड हाउ यूजर्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट कैन बी परफॉर्म बाय अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर at on the any server or uh, any Linux system.